नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं है। ताजा मामला आज सुबह सामने आया, जहां बड़खल चौक पर एक व्यक्ति को बदमाशों ने गोली मार दी। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला पुलिस चौकी सेक्टर 21D एरिया का है। बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए 2-3 राउंड हवाएं फायर किया। युवक के हाथ पैरों को रॉड और डंडों से तोड़ा गया है। बदमाशों की गाड़ी दिल्ली नंबर की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टिया से मामला पुरानी रंजिश का लगता है। वहीं मौके पर मौजूद घायल लड़के के ताऊ ने बताया कि उसका नाम मनीष है और उसकी उम्र लगभग 27 वर्ष है। पुरानी रंजिश के चलते कई लोगों ने मिलकर उसे मारा और पैर में एक गोली भी लगी है। लड़का बेहोशी की हालत में है, इसलिए अभी कोई बयान दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि उसके हाथ पैरों पर रॉड और डंडों से हमला किया गया है। वहीं पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने बताया कि मामले पर कार्रवाई जारी है। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता विकास गुहल्याण की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुबह सिंह है। सुबह सिंह जी, आपके भतीजे पर हमला हुआ है, क्या है पूरा मामला? मामला क्या, 2020 में इन बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ था, तो आज उन्हें मौका मिला, आज उन्होंने घेर के मारने की कोशिश करी है। जैसे चार गोलियां चलाई हैं, चार पांच गोलियां जैसे भी चली हैं, तो मारने का ही सिस्टम था कि भी मारने के प्रोग्राम बनाया उन्होंने। कहां पर हुआ ये? ये बड़खल के आसपास कहीं हुआ, बड़खल चौक के आसपास, से जॉब पे जा रहा था। बड़खल चौक बथा रोड? नहीं नहीं, बड़खल झील, बड़खल चौक, अनखीर और बड़खल के बीच में। हाँ, अनखीर और बड़खल के बीच में कहीं हुआ है जी। अभी क्या स्थिति बनी हुई है सर? अभी वो थोड़ा सा बेहोश है, वो अभी बयान देने के काबिल नहीं है जी। उसके पैर पे चार पांच निशान है, जैसे मुझे लगा कि मैंने इशारे से उसे पूछा तो उसने बताया कि गोली वोली चलाई है उन्होंने। कोई गोली लगी है क्या? हाँ, शायद पैर में चार निशान है, एक निशान ऐसा है जो अंदर की तरफ है। भतीजे का नाम क्या है और इनका जो झगड़ा था, विवाद जो था, किससे था ये विवाद? था एक मर्डरी है योगेश, जिससे पहले इनका झगड़ा हुआ है। वो अफीम गांजे का धंधा करता है, वो आके जिनकी मंडी है। अच्छा। वो अफीम गांजा दारू इनका सब फतेहपुर चंदेला के रहने वाले, वो फतेहपुर चंदेला के रहने वाले, लेकिन ये भांजा, मैं भी फतेहपुर चंदेला का हूँ, लेकिन जिससे पहले झगड़ा हुआ था वो भांजा था गांव का। किस बात को लेकर झगड़ा था? वैसे ही आपस में तू तुम्हें हो गई थी। ये लड़का बाथरूम वहां जहाँ वो विवेकानंद पार्क है वहां इन्होंने कहीं रात में बाथरूम किया, वो कहीं से आ रहा था, उसने अपने घर के वहीं इसे थप्पड़ पड़ मार दिया। फिर ये 3-4 लोग इकट्ठे करके लड़के जाके वहाँ पे झगड़ा हो गया। क्या उम्र होगी मनीष की? उम्र 27 साल के आसपास। क्या, क्या, क्या काम करते हैं ये? हमारी जो MLA साई बहन जी है सीमा त्रिखा जी, उनके भाई छोटे हैं मोहित मल्होत्रा जी, उनके पास प्राइवेट जॉब है, इसकी प्राइवेट काम करता है, प्राइवेट जॉब करते जी। अभी हालत कैसी है? अभी थोड़ी नाजुक कह सकता हूँ, क्योंकि अभी उन्होंने बयान तो दिया नहीं है, इशारे से ही कुछ बात कर रहा था, वो भी नहीं कर रहा है अभी। क्यों हो सकता है डॉक्टरों ने इंजेक्शन दिया या हो सकता है वो बेहोशी हो? डॉक्टर ने कुछ बताया कितनी गोली लगी? अभी डॉक्टर ने भी कोई बयान दर्ज नहीं हुए, नहीं अभी कोई बयान दर्ज नहीं। कोई हाथ पैर भी तोड़ने की वारदात? हाँ, पैर पे और सर पे चोट है। सर पे ऐसी चोट है कि शायद मुझे लग रहा है कि सर से ही वो बेहोशी। रोड वगैरह से भी हमला किया गया? रोड पर जो मैंने सुना है, जो इशारे से उसने बताया, हथौड़ा है, रोड है, दो गाड़ियां हैं, 2-3 बाइक हैं, एक लड़का उनमें से वीडियो बना रहा है, ऐसा कुछ मैंने जो इशारे से सुना है। वीडियो भी बनाई गई है मारपीट के दौरान? सॉरी, वीडियो भी बनाई गई है मारपीट के दौरान, वीडियो बनाई गई है जी। अभी तो ये आपस का डिस्प्यूट था इसका, तो जो भी जिन्होंने भी गोली चलाई उनको पकड़ लिया और बाकी जिसको एडमिट करा दिया उसका इलाज चल रहा है। तो अभी पूरी कार्रवाई पुलिस मौके पर पहुंच गई, वहाँ कर रही है। देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा इस तरह की वारदात जो भी केस हुआ है वो सारे के सारे ट्रेस हुए हैं। बेसिकली ये है कि अब ट्रेस भी 24 घंटे के अंदर अंदर फरीदाबाद पुलिस कर रही है, तो इसका हमें वो है कि साथ में ट्रेस भी 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग कर रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।